तेरे बच्चों, आइए हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन को पढ़ना शुरू किया था। पहला चैप्टर था हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन। अब वहीं के आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो पिछले दिन हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में जान रहे थे कि हाइड्रोकार्बन क्या है। उसको तीन पार्ट्स होते हैं, एक का नाम है एल्केन और दूसरा का अल्किन और तीसरा का अल्काइन। देखिए, एल्कीन में जो होता है उसका फार्मूला भी हम लोग सीखे थे कि CnH2n+2 होता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसमें एकल बंध होता है। इसमें जो होता है एकल बंध होता है, एकल बंध का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, एक एक बॉन्ड से जुड़ा रहता है। किसमें? एल्केन में। और याद रहना चाहिए कि कार्बन की संख्या जब एक रहता है तो बोलते हैं मेथ, और कार्बन की संख्या जब टू रहता है उसको बोलते हैं एथ। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसे करके हम लोग याद भी किए थे। तो अगर प्यारे बच्चों अगर याद नहीं है तो यहाँ पे आप उसका नाम लिख लीजिए। एल्केन में का फॉर्मूला लिख लिए, इसमें एकल बंध होता है। एक तरफ लिखिएगा कार्बन की संख्या, एक तरफ लिखिएगा उसका पहले जुड़ने वाले शब्द। कार्बन की संख्या अगर एक रहा तो उसको बोलते हैं मेथ, ठीक है। दो रहा तो उसको बोलते हैं एथ। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आप क्लास 10th की जो बुक है हम बताए थे आप उसको पढ़िए, और नहीं तो हम 10th तक के लिखवा देते हैं, आप उसके नीचे लिखते जाइए। 1 का मेथ हम बोलते रहेंगे, आपको लिखना होगा। 2 का एथ, 3 का प्रोप, 4 में ब्यूट, 5 में पेंट, 6 में हेक्स, 7 में हेप्ट, हे आधा प त हेप्ट, 8 में ओक्ट, ओक्ट, 9 में नोन, नोन, 10 में डेक। तो इस तरीके से हम 10 तक के इसका वैल्यू, इसका पहले जुड़ने वाले शब्द लिखवाए हैं। अब जरा सबसे पहला बात कि एल्केन है, तो अल्केन है तो जब एल्केन कैसे बनता है? एल्क प्लस एन से एल्केन बनता है, यानी कि इसमें जो अंतिम में जुड़ता है उसमें अंत में, यहां पे कोई भी यौगिक के अंत में एन जोड़ा जाता है। यानी कि कोई भी अगर हमें कंपाउंड रहे वहां पे लास्ट में हम लोग क्या जोड़ेंगे? एल्केन में एन जोड़ेंगे। उसका फार्मूला कैसा होना चाहिए? CnH2n+2, यानी कि जितना नंबर ऑफ कार्बन रहेगा उससे दोगुना से दो ज्यादा रहेगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, अगर एन का वैल्यू प्यारे बच्चों 4 रहा, एन का वैल्यू कितना रहा? 4, तो फार्मूला कितना बनेगा एल्केन का? तो यहां पे 4 रखिए, C4 हो जाएगा, H2n, तो 4 दूना का 8 और उसमें 2 ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा? C4H10। यानी कि जब n का वैल्यू अगर हम लोग 4 रखेंगे तो 4 का डबल करके 2 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा? C4H10। इसका नाम क्या होगा? इसका अगर नाम के बारे में चर्चा करना है तो कार्बन 4 की संख्या क्या भी लिखवाए हैं? ब्यूट लिखवाए हैं, ठीक है। तो आप इसको ब्यूट लिख दीजिए, ब्यूट। लेकिन अल्केन का कोई भी कैटेगरी रहेगा तो उसमें क्या क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। दूसरा, अगर एन का वैल्यू अगर 5 रहा या फिर 6 ही रहा, तो एन का वैल्यू अगर 6 रहा तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? तो कार्बन की संख्या 6 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी एल्केन में? तो उसका डबल करके 2 ऐड किया जाता है तो 6 का डबल कितना हुआ? 12, और 12 में 2 ऐड किए 14।
अब जरा इसका नाम क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि 6 नंबर पे हेक्स आता है, अभी पढ़े हैं, तो यहां हो जाएगा हेक्सेन। क्यों? क्योंकि सभी एल्किन वाले कैटेगरी में हमेशा क्या जोड़ा जाता है, एन जोड़ा जाता है, तो यहां ब्यूटेन हो गया, यहां हेक्सेन हो गया। उसी तरीके से और तीसरे एग्जाम्पल की तरफ लेते हैं, अगर एन का वैल्यू 8 हुआ तब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एल्केन का, एल्केन का फॉर्मूला हो जाएगा कार्बन की संख्या 8, तो यहां हो जाएगा कार्बन 8। ठीक है, अब कार्बन 8 हो गया तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो हाइड्रोजन डबल करके और 2 ऐड करते हैं, तो 8 का डबल कितना 16, 16, और 16 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हाइड्रोजन 18। अब जरा इसका नाम पे चर्चा कर लेते हैं, इसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, तो कार्बन का 8 नंबर पे अभी नाम दिखाए हम ऑक्ट, क्या नाम होता है ऑक्ट, तो इसीलिए इसका वैल्यू हो जाएगा ऑक्टेन, क्या हो जाएगा ऑक्टेन। उसी तरीके से आपको करना क्या है, चौथा पांचवा छठा सातवां तक के अपने से एग्जाम्पल कुछ कर लेना है, किसके किसके लिए, तो एन का वैल्यू 2 के लिए, एन का वैल्यू 5 के लिए, एन का वैल्यू 1 के लिए, एन का वैल्यू 7 के लिए, इतना चीज आपको खुद से कर लेना है, यानी कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको लिख लेंगे, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, उसका नाम क्या होगा, क्योंकि इस चैप्टर में हमें जब तक कि इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा हम लोग सीख नहीं पाएंगे कि क्या होता है हेलो एल्केन, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है चैप्टर में जो है हेलो एल्केन है। अब एल्केन का मतलब क्या, तो एल्केन का मतलब हमको अच्छा से समझना चाहिए, वही नहीं हमको कहीं कहीं एल्किन वाले कैटेगरी का भी जरूरत पड़ता है, कहीं कहीं एल्काइन भी जरूरत पड़ता है, यानी कि प्यारे बच्चों एल्केन का मतलब हुआ सिंगल बॉन्ड, एल्किन का मतलब डबल बॉन्ड द्विबंध, और एल्काइन का मतलब त्रिबंध। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही बंधन मौजूद होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यौगिक में हमेशा एक ही नहीं होगा, कभी कभी सिंगल बॉन्ड होगा, कभी सेकेंड डबल बॉन्ड होगा, कभी ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इस तरीके से हम लोग को मिलेगा। तो सबसे पहले वो चीज जानना जरूरी है जो हमें काम करेगा, तो इसका इस सिचुएशन में उसका नाम लिख लेंगे। जरा अब आते हैं कि एकल बंधन का जो बंधन संरचना होता है वो कैसा होता है, तो अब टॉपिक बनाएंगे कि एल्केन का संरचना। तो जब हम लोग किसी भी एल्केन का फॉर्मूला लिख सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं, तो जरा आइए आते हैं उसके संरचना का बात कर लेते हैं कि उसका संरचना कैसा होता है। तो उसका संरचना सूत्र अगर निकालना होगा हमें प्यारे बच्चों, तो कैसे करेंगे, इसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई भी फार्मूला पकड़ सकते हैं एल्केन का, याद रखिएगा एल्केन का फार्मूला ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो हम ये फार्मूला पकड़ लिए C6H14, जिसका नाम क्या है हेक्सेन, इसका नाम हेक्सेन। जैसा कि पहले बच्चों पहला जो एग्जाम्पल लिए हैं, अब इसका संरचना कैसा बनेगा वो जरा देखिए। तो संरचना हमेशा जो एल्केन का बनता है, अभी हम सीखे कि इसके संरचना में हमेशा कैसा बंध होता है, एकल बंधन होता है। तो जब एकल बंधन होता है तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसके संरचना को बनाने के लिए टोटल कार्बन है कितना, कार्बन है टोटल 6, तो आप करिए क्या, टोटल 6 कार्बन लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और चूंकि एकल बंधन होता है तो आप सबको एक एक बॉन्ड से जोड़ दीजिए, ठीक है, सबको एक एक बॉन्ड से क्यों जोड़े हम लोग, क्योंकि यहां पे एल्केन में एकल बंधन ही बनता है, तो सबको हम एकल बंधन से जोड़ दिए। फिर होता क्या है कि एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ये हम लोग 10th क्लास से ही सीखते आ रहे हैं कि कार्बन हमेशा कितना बंधन बनाता है, 4 बंधन बनाता है। तो कार्बन जब 4 बंधन बनाता है तो इस कार्बन को अभी कितना बंधन जरूरी है, एक तो ये बना लिया बंधन,
तो अभी तीन बंधन और जरूरी है। इस कार्बन को कितना जरूरी है, तो दोनों तरफ एक एक बंधन तो बना लिया, तो अब हमें दो और जरूरत है। इसको भी देखिए, कार्बन का हर एक कार्बन का चार बंधन होना चाहिए चारों तरफ से। तो इस कार्बन के लिए इधर वाला एक, इधर एक, दो घट रहा था। इसको भी इस तरीके से सबको चार चार कर दीजिए, यहाँ पे तीन घट रहा है, तीन कर दीजिए। अब जहां जहां इसका खाली जगह है सब पर आपको हाइड्रोजन जोड़ना है, तो हाइड्रोजन जोड़ दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और जरा हाइड्रोजन जोड़ने के बाद आपको मिलाना है कि हाइड्रोजन हमें टोटल कितना होना चाहिए और अभी है कितना। तो कार्बन तो छह ऑलरेडी बनाए थे, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, चौदह होना चाहिए। तो चलिए काउंट कर लेते हैं, है कि नहीं चौदह, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, यहां से हम लोग गिनना स्टार्ट किए थे। तो इस तरीके से टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, चौदह। जरा बात कर लेते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन का। अगर मान लिया आएगा कि सी फोर एच टेन आएगा, क्यों टेन आएगा, क्योंकि एल्केन का होता ही है कि डबल करके टू ऐड करना है, जिसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका नाम होगा ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। अब इसका ब्यूटेन नाम हो गया, तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर या संरचना कैसे बनाएंगे, तो कार्बन अभी है कितना, चार कार्बन है, तो चार कार्बन है तो आप चार कार्बन को ऐड कर दीजिए, एक दो तीन चार। अब एक कार्बन जो है कितना बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड बनाता है, तो ये इसको कितना घट रहा है, इसको तीन घट रहा है। इस कार्बन को कितना घट रहा है, दो। इस कार्बन को कितना घट रहा है, दो, क्योंकि दो तो ऑलरेडी बना चुका है, और इस कार्बन को घट रहा है तीन। तो सब कार्बन के पास चार चार बॉन्ड हो गया। अब जहां घट रहा है, जहां खाली स्थान है, वहां हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, और इस तरीके से आप मिला लीजिए कि हम लोगों को जितना कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए उतना है कि नहीं है। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, टेन। तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस। तो इस तरीके से हम लोग का संरचना। प्यारे बच्चों करना क्या है, हम दो को संरचना बनाए हैं, आपको तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आपको बनाना है खुद से कॉपी में संरचना। किसका किसका भाई, तो सी सेवन एच सिक्सटीन, सी फाइव एच ट्वेल्व, सी फाइव है, सी फाइव एच ट्वेल्व है, सी थ्री एच एट, सी नाइन एच ट्वेंटी, सी एच फोर। ये चारों का, पांचों का आपको खुद से ऐसे ही संरचना बनाना है। तो चलिए हम लोग एल्केन के बाद सीखते हैं एल्कीन क्या होता है। तो अब टॉपिक बनाएंगे एल्कीन। एल्कीन टॉपिक बनाएंगे एल्कीन क्या होता है, यहां पे लिखेंगे एल्कीन। मेरे बच्चों जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे कि एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n होता है सिर्फ, यानी कि एल्कीन का फार्मूला कितना होता है, तो CnH2n जितना नंबर ऑफ रहेगा उसका डबल होता है। ठीक है, अब उसका डबल होता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें कितना बंधन होगा, तो जैसा जानते हैं हम लोग कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, उसी तरीके से एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, इसमें इसमें द्विबंधन होता है, इसमें द्विबंधन होता है। अच्छा, ये तो पता चल गया कि एल्कीन में कौन सा होता है, तो डबल बॉन्ड। अच्छा, इसका जब नामकरण किया जाता है तो नामकरण के अंतिम में, अंतिम शब्द में क्या जुड़ता है, अंत में जुड़ने वाला शब्द एल्कीन, वहां होता था देखिए एल्केन एन है ना, इसीलिए वहां पे एन जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे बोलिए आप खुद से एल्कीन, एल
किन, तो इन जोड़ना पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अंत में क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ा जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं सेकेंड एरो में कि इसके नामकरण में अंत में जुड़ने वाला शब्द, इसके नामकरण में अंत में जुड़ने वाला शब्द इन होता है, इन होता है, इन इन होता है, अंत में जुड़ने वाला शब्द इन होता है, ठीक है। अब जरा हम लोग आते हैं कि इसके एग्जाम्पल की ओर, किसका नाम कैसे लिखेंगे, हालांकि संरचना भी हम लोग देखेंगे कि कैसे डबल बॉन्ड बनता है। तो जरा कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में अगर पहला एग्जाम्पल में एन का वैल्यू 4 लिया जाए प्यारे बच्चों, तो एन का वैल्यू अगर 4 लिया जाए तो एल्कीन का कौन सा फार्मूला पे बनेगा, तो ये कार्बन जितना रहता है, हाइड्रोजन उसके डबल, एन का 2N, तो यहाँ 4 है तो कार्बन हो जाएगा 4, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 4 का डबल कितना, 8। अब प्यारे बच्चों इसका नाम क्या होगा, तो कार्बन जो है 4 रहता है तो उसका नाम होता है ब्यूट, अभी अभी हम लोग सीखे हैं। और प्यारे बच्चों सबसे इंपोर्टेंट चीज तो यही है कि आपको 10 तक के कम से कम याद रहना चाहिए, क्योंकि 11 से 20 तक के भी होता है लेकिन वो ज्यादा यूज नहीं है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो 1 से लेकर 10 तक के है, उसको बेहद जानना जरूरी है, उसको याद करना जरूरी है। यहाँ पे बात करें तो कार्बन का संख्या 4 है और हाइड्रोजन उसका डबल है, तो इसका नाम क्या होगा, तो कार्बन का होता है 4, तो कार्बन अगर 4 रहेगा तो उसका हो जाता है ब्यूट, और ब्यूट का इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, ब्यूटीन, ब्यूट में अगर इन जोड़ेंगे तो ब्यूटीन। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल अगर लेंगे, अगर एन का वैल्यू 6 रहेगा तो इसका डबल हाइड्रोजन होता है डबल, तो यहाँ कार्बन अगर 6 रहेगा तो हाइड्रोजन कितना, 12, 6 का डबल 12, इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले देखिए, इसीलिए मैं बोले हैं कि इसका जब नामकरण किया जाता है तो इसमें इन जोड़ा जाता है अंत में, जैसे एन का वैल्यू 6 रहेगा तो इसका 6 नंबर पे कौन आता है, हेक्स, 6 नंबर पे क्या आता है, हेक्स, और हेक्स में जब इन जोड़ा जाता है तो यहाँ क्या होता है, हेक्सीन, नाम क्या होता है इसका, हेक्सीन। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, अगर मान लिया एन का वैल्यू 8 हो जाता, एन का वैल्यू 8 हो जाता। अच्छा एक और चीज, एन का वैल्यू हम लोग 1 पे लेते हैं, 1 पे, तो एन का वैल्यू 1 पे भी फार्मूला बना सकते हैं प्यारे बच्चों, 1 का हो जाता है CH2 होगा। अब CH2 होगा तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका नाम मेथीन, क्यों मेथीन, क्योंकि कार्बन जब 1 रहता है तो हाइड्रोजन उसका डबल, तो C1 यहाँ लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से और भी आपको नाम जो लिखना है, नंबर 4, 5, 6, 7, 8 आप लिखिएगा, एन का वैल्यू 7 के लिए, एन का वैल्यू 3 के लिए, एन का वैल्यू 5 के लिए, एन का वैल्यू 2 के लिए, एन का वैल्यू 8 के लिए। तो इतना तरीके से आप इसका खुद से भी फार्मूला लिखना है। याद रखिए एल्कीन का फार्मूला लिखते वक्त उसका डबल किया जाता है, कुछ ना कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा, और उसका जब नाम लिखते हैं उसमें इन लगाते हैं, और 7 के लिए क्या होता है, तो 7 के नंबर पे आता है हेप्ट, तो हेप्ट में इन जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा हेप्टीन। तो चलिए अब हम लोग आइए आगे सीखते हैं कि एल्कीन का संरचना कैसा होता है। तो अब टॉपिक बनाएंगे एल्कीन की संरचना, एल्कीन की, एल्कीन की संरचना। अब जरा संरचना के बारे में सीखते हैं कि अभी जो हम लोग पढ़े ना कि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, तो प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड का मतलब समझना है। जैसे अगर मान लिया कि कोई भी एल्कीन वाला कोई एक फार्मूला रहेगा, जैसे ये रहा C4H8, ठीक है, अब C4H8 रह गया, कोई भी एल्कीन का फार्मूला दिया रहेगा
तो उसको हम लोग संरचना कैसे बनाएंगे, तो संरचना बनाने के लिए सबसे पहले आपको कितना कार्बन है यहाँ पे, चार कार्बन, तो चार कार्बन लिख लीजिए, एक दो तीन चार। अब इसको लिखने के बाद आपको ये पता है अभी कि एल्किन में हमेशा द्विबंध होता है, द्विबंध का मतलब प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड, ठीक है। अब डबल बॉन्ड देना है का मतलब ये हुआ कि आप कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच दे सकते हैं डबल बॉन्ड, यानी कि आपको कहीं एक ही जगह देना होता है, ऐसा नहीं कि हर बार डबल 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 देंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी कि अगर आपकी इच्छा है कि हम यहाँ डबल बॉन्ड दें तो यहाँ भी डबल बॉन्ड दे सकते हैं, अगर मेरी इच्छा है कि यहाँ डबल बॉन्ड दे, लेकिन हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच ही होना चाहिए। प्यारे बच्चों आप कभी भी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये तो कार्बन के बाहर हो गया ना। हमेशा जो द्विबंध होता है वो कहाँ होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच होता है। आप यहाँ दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं, मेरी इच्छा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये एल्कीन का फॉर्मूला है। और कैसे पता चला कि एल्कीन का फॉर्मूला है, क्योंकि चार का डबल हो रहा है, तो जिसमें अगर डबल होता है वो होता है, हो जाता है एल्कीन। और एल्कीन जब पता चल गया तो आपको याद आना चाहिए कि उसमें डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि आप कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच एक ही जगह डबल बॉन्ड देना है, बार बार डबल डबल नहीं देना है। अब एक जगह आप यहां दीजिए तो बाकी जगह सिंगल देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए कि सभी कार्बन का क्या चार पूरा हो रहा है, इस कार्बन को तो चार होना चाहिए पूरा, है कितना, एक, कितना और चाहिए, तीन, तीन और चाहिए तो तीन और दे दिया। इस कार्बन को कितना चाहिए, तो इस कार्बन में दोनों तरफ दो है, अभी और हमें कितना चाहिए, दो, तो यहाँ पे दो अगर दिया है। इस कार्बन को सभी कार्बन का चार पूरा होना चाहिए, क्योंकि चार उसका संयोजकता होता है, वैलेंसी होता है, तो ये कार्बन का भी है कितना, तीन, कितना और घट रहा है, एक। तो प्यारे बच्चों एक आप ऊपर में भी जोड़ सकते हैं या फिर नीचे में जोड़ सकते हैं। अब रहा बात की सर दोनों तरफ जोड़ देंगे, तब दोनों तरफ जोड़ दिया तो इस कार्बन का तो दो तीन चार पांच हो जाएगा, तो पांच तो होता नहीं है, तो आपकी जहां इच्छा है उधर ही जोड़िए सिर्फ, तो हम यहाँ जोड़ दिए। और इस कार्बन को कितना घट रहा है, दो, क्योंकि दो बॉन्ड बना लिया, तो आप एक ऊपर भी जोड़ सकते हैं, एक नीचे भी, या फिर आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, या फिर इस कार्बन से तिरछा भी जोड़ सकते हैं, तो जैसी इच्छा है आपकी जोड़ सकते हैं, लेकिन इस कार्बन का हमेशा चार होना चाहिए, सभी कार्बन का चार होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब चलिए हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं सभी जगह खाली स्थान में, और फिर मिलाएंगे कि इसका एट हाइड्रोजन हुआ कि नहीं। चलिए काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हम लोग का जो संरचना है वो बिल्कुल सही बन रहा है। अगर आइए आगे क्वेश्चन सीखते हैं, CH16 कार्बन है कितना पहले बच्चों, आठ, तो आठ कार्बन है, तो आप पहले आठ कार्बन लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हम क्या बोल रहे हैं, आपको जहां इच्छा है वहां एक जगह कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे दीजिए। हम यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिए, तो अगर डबल बॉन्ड दे दिए तो बाकी जगह सब सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। इस कार्बन को कितना चाह रहे हैं, तीन और चाह रहा है, क्योंकि एक बॉन्ड बना चुका है, तीन और, इस कार्बन को दो और चाह रहा है, इस कार्बन को एक चाह रहा है, क्योंकि दो और एक तीन और एक हम कर दिए चार, इस कार्बन को एक चाह रहा है, दो और एक तीन हो गया, एक और घट रहा है, इस कार्बन को दो चाहिए, इसको भी दो चाहिए, इसको प्यारे बच्चों तीन चाहिए। तो इस तरीके से आप जहां जहां ब्लैंक्स है वहां पे आप हाइड्रोजन को ऐड कर लीजिए, और फिर अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे। इस तरीके से आप इसको संरचना जो है बना सकते हैं। तो आपको हम कुछ एल्कीन का भी देते हैं, और एल्कीन का भी संरचना आपको बनाना है, और फिर चेकआउट कर लेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या 16 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो इस तरीके से हम लोग का संरचना एल्कीन का बन गया। तो कुछ वर्क्स इसके लिखा जाए, तीसरा में क्या बनाना है, चौथा,
पांचवा छठा सातवा में आपको कुछ दिया जा रहा है उसको बनाना है। C10H20 C3 H6 C5 H10 C7 H14 CH2 इतने तरीके का आपको स्ट्रक्चर एल्कीन का बनाना है। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं एल्काइन सीखते हैं कि एल्काइन क्या होता है। तो टॉपिक देंगे एल्काइन के बारे में। जैसा कि जानते हैं हम लोग एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, CmH2n-2, यानी कि उसमें डबल करके घटा दिया जाता है। तो अब हम लोग लिखेंगे एल्काइन। एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है। अब CnH2n-2 इसका एल्काइन का फार्मूला होता है। तो इसके बारे में सबसे पहले फर्स्ट एरो लिखेंगे। फर्स्ट एरो में यही लिखेंगे कि इसमें जैसा कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्किन में डबल बॉन्ड, तो इसमें कितना बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हिंदी में त्रिबंध भी बोलते हैं। तो इसमें लिखिएगा इसके संरचना में त्रिबंध होता है, इसके संरचना में त्रिबंध होता है। सेकेंड एरो में लिखेंगे इसके नामकरण में अंत में आयन जुड़ता है, आयन, जैसा कि हम लोग सीखे ना पहले कि एल्केन में एन जोड़ता है, तो जैसे ही अल्काइन बोलिए आप, अल्काइन आयन है ना, अल्काइन तो आयन आ रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग जब भी नामकरण करते हैं तब इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, आयन जोड़ा जाता है, ठीक है। अब जरा हम चीजों को समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अगर लेते हैं एक पहला क्वेश्चन, तो यहां पे ये एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n-2, यानी कि डबल करके दो घटाना होता है। यहां पे देख पा रहे होंगे डबल करके 2 माइनस करना है। अगर मान लिया कि n का वैल्यू 4 रहा तो इसका संरचना सूत्र क्या बनेगा, तो पहले 4 है उससे 4 लिख दीजिए। अब 4 का डबल कितना होता है, 4 का डबल 8 होता है, और 8 में से 2 माइनस कीजिए तो कितना बचेगा, 6, तो C4H6। प्यारे बच्चों जब इसका नाम का बात आए तो 4 नंबर पे क्या आता है, ब्यूट आता है, ठीक है। और ब्यूट में आपको यहां पे आयन जोड़ना है। क्यों, कैसे पता चला कि आयन ही होगा, क्योंकि अल्काइन है, और अल्काइन कैसे पता चला, तो इस फार्मूला देखने से पता चला कि 4 का डबल होके और 2 घट जा रहा है। तो अगर प्यारे बच्चों डबल होके अगर 2 घट जाए तब वो हो जाता है एल्काइन, अगर डबल होके 2 बढ़ जाए तब वो हो जाता है अल्केन, और सिर्फ डबल हो जाए एल्कीन, जिसका नाम हो जाता है 4 नंबर पे आता है ब्यूट, और यहाँ पे ब्यूटाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन, ठीक है, क्योंकि आयन ऐड हो गया। जरा एक और एग्जांपल लेते हैं, n का वैल्यू 6, जब n का वैल्यू 6 होगा प्यारे बच्चों तो कार्बन का लिखेंगे 6, कार्बन 6, और हाइड्रोजन कितना, तो डबल से करके 2 माइनस, तो 6 का डबल 12, और 12 में 2 माइनस करेंगे तो यहां हो जाएगा 10। तो इस तरीके से हम लोगों का जो बनेगा, कार्बन का अगर नंबर 6 रहेगा तो ये हेक्स होता है, और हेक्स में आयन जोड़ेंगे तो यहां हो जाता है हेक्साइन, हेक्साइन। तो इस तरीके से हम लोग और भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो आप इसका ट्राई कीजिएगा, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, n का वैल्यू 8 पे क्या होगा, n का वैल्यू 1 पे क्या होगा, n का वैल्यू 3 पे क्या होगा, n का वैल्यू 7 पे क्या होगा, n का वैल्यू 5 पे क्या होगा। तो इस तरीके से आप खुद से फार्मूला बनाइएगा, उसका नाम लिखिएगा। चलिए अब आइए आते हैं एल्काइन की संरचना। तो अब टॉपिक देंगे एल्काइन की संरचना। पर बच्चों ये भी बहुत सिंपल है, इससे भी हम लोग पहला एग्जाम्पल खुद से लेते हैं।
एल्काइन का कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए, जैसे कि हम ले लिए C6H10, तो जैसे ही अगर हम लोग C6H10 ले लिए तो C6H10 का जो संरचना बनेगा वो कैसे बनेगा वो जरा देखिए। C6H10 कैसे पता चलेगा कि ये ट्रिपल बॉन्ड होगा कि डबल बॉन्ड, तो याद रखना होगा कि डबल से होके दो घट जा रहा है, 6 × 2 = 12 और 12 में से 2 घट जा रहा है तो अल्काइन बन रहा है और अल्काइन में कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो इसको बनाने के लिए कार्बन है कितना, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कार्बन 6 हो गया, आपको जैसा कि पीछे बताया कि कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड देना है, यहां पे भी सेम कंडीशन है, हमेशा कार्बन कार्बन के बीच कोई एक जगह पे अल्काइन मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड देना है। मेरा मन हुआ कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड देने का, दे दिया। अब इसको देने के बाद हर जगह आपको सिंगल बॉन्ड देना है। अब उसके बाद देखिए कि हर कार्बन पे तो 4 पूरा होना चाहिए, इस कार्बन का 4 पूरा नहीं है, 3 घट रहा था, 3 दे दिए। इस कार्बन पे पहुंचे तो इसका तो ऑलरेडी 4 पूरा है, 3 और 1 = 4, तो इसको हम छोड़ देंगे। इस कार्बन पे भी पूरा हुआ है, 3 × 1 = 4, तो छोड़ देंगे। 1 और 1 = 2, तो यहाँ पे हो गया 2 × 2 = 4 और यहाँ पे घट रहा है 3। अब जहां जहां घट रहा है वहां वहां पे हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरीके से। प्यारे बच्चों को जरूरी नहीं है कि ट्रिपल बॉन्ड यही देना है, आप कहीं पे दे सकते हैं, लेकिन जहां देंगे वहां से आपको मिलाना पड़ेगा कि कार्बन का संख्या या बॉन्ड 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हाइड्रोजन देख लेंगे कि कितना है, 10, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरीके से हम लोग का संरचना बन जाता है। उसी तरीके से आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन, तीसरा चौथा पांचवा छठा। पहला है C2H2, ठीक है। तो ये सबका आपको स्ट्रक्चर बनाना है कि कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग हाइड्रोकार्बन के जितना भी अल्केन अल्किन अल्काइन था उसको हम लोगों ने सीखा। अब अगले क्लास में हम लोगों की जो सिलेबस में पढ़ना है हेलो अल्केन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास को यहीं तक स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में। धन्यवाद।